लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो ये वीडियो सुन लो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लोग अगर आपका मजाक उड़ाते हैं तो आपको क्या करना है, है ना। देखिए गाइस, लाइफ में ना बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो एक इंसान दूसरे इंसान की मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो इसमें खराबी क्या है, अगर आपकी मजाक उड़ रही है ना तो आपको खुश होना चाहिए, दुखी नहीं। पता है गाइस क्यों? आपने एक मोटिवेशन कोटेज सुना होगा, जब जब जिन लोगों ने जिनका मजाक उड़ाया है वही एक दिन इतिहास रचा है। तो इतिहास रचने के लिए ना लाइफ में मजाक बनना भी ज़रूरी है। अगर आपकी मजाक नहीं बनेगी तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़िएगा, आपकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं वो कैसे आएगी, आपकी जो कामयाबी है वो कैसे आएगी। मजाक बनना ज़रूरी है, क्योंकि मजाक जब बनते हैं ना तो आपके अंदर एक हिम्मत आती है, आपके अंदर एक मोटिवेट आती है कि हाँ मुझे कुछ करना है, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे उन्हें दिखाना है करके। तो देखना ऐसा ही होता है गाइस। तो देखना बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन है भी जो बहुत कामयाब हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मजाक ज़रूर बने हैं। तो मजाक अगर बने ना तो हमेशा निराश मत होना, क्योंकि खुश होना, क्योंकि मजाक ही है जो आपको आगे बढ़े लेकर जाती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है। आपके माइंड में ये आती है ना, आपके माइंड में ये क्रिएटिविटी चलती है कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी, मैं उन्हें बताऊंगी। तो ये कॉन्फिडेंस आती है और आप कुछ करके दिखाते हो, आप कामयाबी होकर दिखाते हो। तो अगर आपकी मजाक बने ना तो कभी निराश मत होना गाइस, आपको हमेशा खुश रहना, क्योंकि आपने देखा होगा। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी इतना बहुत ज़्यादा उनके मजाक उड़ाए जाते थे, वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा काले हैं, वो बहुत ज़्यादा ये है वो है, और काफ़ी ज़्यादा करीबी हालात अच्छे थे उनके पास, ठीक से मतलब पहनने के कपड़े नहीं होते थे, घिसटे पिस्टे चप्पल होते थे, लोग काफ़ी देख कर मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज वो साइंटिस्ट है और उनके जाने के बाद भी लोग उनके नाम सर्च करके उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या कितनी ऊँचाई उन्होंने छुआ, आपने देखा ना। तो इसलिए दुनिया में मजाक करना भी एक इंसान का ज़रूरी है। लोग उनके भी मजाक बनाए जाते थे, लेकिन वो कितनी मुकाम हासिल करी। तो देखा गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसके मैं अगर पर्सन की बात करूँ, ऐसे ऐसे आइडल पर्सन हैं जिनका मजाक उड़ाया गया और वो एक दिन कितनी ऊँचाई छुए, कितनी कामयाब हुए। तो लोग अगर आपके मजाक उड़ाए ना तो इस बात पर आपको ना हमेशा खुशी होनी चाहिए, कोई गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजाक अगर बनेगा तभी जीवन में इतिहास बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मैं देखने वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।